हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन जूलॉजी ऑनर्स के जो छात्र हैं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हमने एक क्वेश्चन का एक स्टडी करने का एक ओवरव्यू लेने का प्रयास किया है। आपको अगर हेल्प हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो इस पर 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन में से पेपर वन का जो है ये 1 क्वेश्चन इसमें बनाना है। हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है जो है क्लासिफाई फाइलम एनेलिडा अप टू ऑर्डर। एनेलिडा फाइलम को क्लासिफिकेशन करके बताना है ऑर्डर तक कि कितने ऑर्डर तक इसका क्लास से ऑर्डर तक फाइलम से अप टू ऑर्डर तक का इसका क्या क्या वर्णन है वो बताना है। गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स और उस कैटेगरीज में उस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ये भी बताना है मुख्य रूप से। तो ओवर बात यह है इस पर कि एनेलिडा फाइलम को आप स्टडी करना है। चलते हैं फाइलम पर जाने के पहले आप एक बार ये व्यू देख लें। गूगल में सर्च करेंगे तो ये भी आपको दिखेगा और वो है किंगडम का भी एक सारांश के रूप में। तो 2 किंगडम होते हैं मुख्यतः, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है और एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। तो ये एनिमल किंगडम है, कौन कौन से होते हैं एनिमल किंगडम, यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से दिया गया है समरी के रूप में। तो एक ओवरव्यू आप इसका ले लें। जैसे कि किंगडम में है पहला जो है वो फाइलम है, फाइलम कहलाता है। तो पोरीफेरा मतलब मेंबर्स नॉन है, जिसको स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी इसमें आते हैं, उसमें पोर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोर्स, कॉनोसाइटिस, लाइन, स्पॉन्जोसील, एक्वेटिक, हर्मोफ्रोडाइट, एक्वेटिक होते हैं। जो भी इसका मुख्य मुख्य गुण है वो दिए हुए हैं, 1-2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। साइकोन इसका 1 एग्जाम्पल दे दिए। फिर टीनोफोरा है, कॉम जेलिज का इसका मेंबर होते हैं। फिर जो है एस्केलमिंथिस, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, सिलेंट्रेटा जिसको निडरिया भी कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस, एनिलिडा, मोलस्का। एनिलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होता है, कई पार्ट में बटा हुआ रहता है बॉडी, स्प्रिंग की तरह। मेटामेयर्स भी बोलते हैं उसको। और नेफ्रिडिया इसमें होता है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जिसे हम हमारे शरीर में किडनी होता है वैसे इसमें नेफ्रिडिया होता है। फिर मोलस्का, हेमिकोडाटा और फिर कोडाटा भी होता है। तो ये चीज़ इसका फाइलम है। इस फाइलम में हम लोगों को एनिलिडा फाइलम के बारे में देखना है। आप एनिलिडा फाइलम को देखिए, एनिमल किंगडम का ये पार्ट है फाइलम एनिलिडा। इफ़ यू हैव एन एविड इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये परिचय दे रहा है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस अर्थवर्म। तो आपने अगर मिट्टी को जोता होगा या कुदाल चलाया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा अर्थवर्म को, वो जो केचुआ होता है मिट्टी में, वो अपने बागवानी में, बगीचे में, खेत में। डिड यू नो वन कैन फाइंड 1 मिलियन अर्थवर्म्स इन जस्ट 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ में 1 मिलियन अर्थवर्म हो सकता है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? दिज अर्थवर्म बिलोंग टू द फाइलम एनिलिडा, यही अर्थवर्म जो है ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। आप कैसा स्ट्रक्चर है एक जो समझ लीजिए, एक अंदाजा कर लीजिए। दिज अर्थ वर्म्स बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा, दे क्रिएट हेल्दी सॉयल एंड प्लांट्स ग्रो एक्सट्रीमली वेल इन दिज टाइप ऑफ सॉयल्स। इस मिट्टी में जहाँ पर ये अर्थवर्म होते हैं वो सॉयल को हेल्दी करता है, भुरभुरा कर देता है और वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। ये एक अर्थवर्म का परिचय हुआ। फिर फाइलम एनिलिडा के बारे में देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि हैविंग ओवर 17,000 स्पीसीज, 17,000 तरह के जातियों के इसमें जीव जंतु होते हैं इस फाइलम में। फाइलम एनिलिडा इज ए लार्ज फाइलम, ये बड़ा फाइलम है। एनिलिड्स आर नॉन
आल्सो नोन एज रिंग वर्म और सेगमेंटेड वर्म। इसको एनलिट्स को रिंग वर्म भी कहते हैं और सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं। दे एग्जिस्ट इन वेरियस इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग मेराइन वाटर। ये समुद्री पानी में भी रहते हैं, नमकीन पानी में, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, इन ऑल्सो इन मॉइस्ट टेरिस्ट्रियल एरियाज में भी होते हैं, नमी वाले एरिया में भी। द साइज ऑफ द एनलिट्स कैन रेंज फ्रॉम ए फ्यू मिलीमीटर टू एन अमेजिंग 3 meters इन लेंथ। कुछ मिलीमीटर से लेकर के ये 3 meters तक लंबाई में होते हैं। द ऑस्ट्रेलियन अर्थवर्म मेजर्स अराउंड 3 meters। 3 meters के होते हैं ऑस्ट्रेलिया के ये अर्थवर्म। फर्दर मोर सम स्पीसीज फ्रॉम दिस फाइलम एग्जिबिट सम यूनिक शेप्स एंड ब्रिलियंट कलर्स। कई कलर के होते हैं, जैसे फास्फोरस एग्जिबिट करता है। एनलिट्स एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री एंड आर इनवर्टिब्रेट। इन इसमें वर्टिब्रेट नहीं होता है, इनवर्टिब्रेट है ये एनिमल्स। दे आर सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। द बॉडी इज सेगमेंटेड व्हिच इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द एनलिट्स। एक परिचय के रूप में थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे। आप आगे देखेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देखें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, इसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि दे हैव लॉन्ग एंड सेगमेंटेड बॉडी, लंबे होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होते हैं। बायलेटरल क्या हुआ कि वो अगर बीच में लंबे लंबे भाग में इसको काटा जाए तो दोनों तरफ समान ऑर्गेन मिलते हैं, दो भागों में शरीर बटा रहता है, हर चीज़ दो पार्ट में होते हैं। इस तरह से आप देखते जाओ। एग्जाम्पल्स, ये जोंक देखे होंगे आप, ये भी इसी के पार्ट है, इसी के मेंबर है। क्रिटिकल अप्रेजल, आप इस हेडिंग से सीधा आप लिख भी सकते हैं अगर चाहे आंसर तो, या फिर एक बार आप पढ़ करके फिर दोबारा में आप लिखें वीडियो पॉज करके, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई वेबसाइट पर आपको विभिन्न तरह की चीज़ इसमें आपको मिलेंगे। आप जिसका आंसर आपको ज़्यादा डिटेल्स में लगे, पसंद आए, वहाँ से आप लिख सकते हैं। 2500 शब्दों में आपको लिखना है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा आंसर जो है सफिशियंट हो और वो वर्ड को वर्ड लिमिट को भी पूरा करे। हम पेज भी आगे चलते जाते हैं, आप लिखते जाए, चूँकि 60 स्लाइड बन गए हैं। फिर आप देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को बताया गया है, डिस्टिंग्विशिंग टैक्सोनॉमिक फीचर्स, अब इसको क्लासिफिकेशन को जो किया गया है आप दो तरह से देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन है, आप क्लासिफिकेशन का जो है एक दो डिज़ाइन है यहाँ पर से, एक डिज़ाइन आपको सामने दिखेगा ये एरो वाइज में है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ख़त्म करने के बाद इसी में नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा। इस तरह का सिस्टम जब ख़त्म होगा तो नए ढंग से आप देखेंगे कि कैसे डिवीजन किया जाता है, फाइलम कैसे क्लास में और ऑर्डर में बटा हुआ होता है। एक तरह से यहाँ आप इसका भी मॉडल देख लें, इसमें कुछ ज़्यादा क्लास दिया हुआ है। फाइलम एनिलिडा है, सेगमेंटेड वर्म्स, और इसका ये डिटेल्स में दिया हुआ है वर्णन। फिर इसमें आगे देखेंगे उसी तरह से क्लास चला, इसका क्लास में डिवीजन हुआ, पॉलीकीटा मेराइन वर्म्स होते हैं ये। फिर दूसरा ऑर्डर हुआ, ये क्लास हुआ, ठीक है, ये फाइलम एनिलिडा चला था, और फिर इसका क्लास हुआ पॉलीकीटा, और पॉलीकीटा का फिर ये चला ऑर्डर एफ्रोडायटामॉर्फा। फिर दूसरा ऑर्डर हुआ एम्फिनोमीडिया। चूँकि ऑर्डर तक ही आपको बताना है तो यहाँ तक बताया गया, इसमें आपको लास्ट में एग्जांपल भी दिया हुआ है।
ऑर्डर ये स्पिनथेरिडा, फिर ऑर्डर ये फिलोडोसिडा, इसके बाद ऑर्डर ये यूनिसिडिया, उसके बाद ऑर्डर ऑर्बिनिडा, फिर ये ऑर्डर स्पायोनिडा, फिर ऑर्डर ये कीटोप्टेरिडा, फिर ऑर्डर ये मेगालोनिडा, फिर ऑर्डर ये सेमोड्रिला ड्रिलिडा, फिर ऑर्डर ये टीनोड्रिलिडा, फिर ऑर्डर ये सिराटुलिडा, फिर ये ऑर्डर है कॉसोरिडा, फिर ऑर्डर ये ओफेलिडा, फिर ऑर्डर ये है कैपिटेलिडा, फिर ऑर्डर है फ्लेबेलीजेरिडा, फिर ऑर्डर है ये स्टर्नास्पिडा, फिर ऑर्डर है ये ओएनिडा, फिर ऑर्डर है ये टेरेबिलिडा, फिर ऑर्डर है ये सेवेलिडा, फिर डस्टर बोलते हैं, फिर ऑर्डर है ये आर्कियानेलिडा, आर्क मतलब होता है बहुत प्राचीन, फिर ऑर्डर है ये मिजोस्टोमिडा, और ये अंतिम ऑर्डर इसका है पियोबिडा। फिर दूसरा क्लास चला ओलिगोचिटा, ओलिगोचिटा का फिर डिटेल्स में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन इसका, इसमें 3250 लिविंग स्पीसीज हैं। इसका ऑर्डर चलें, पहला ऑर्डर है लुम्ब्रिकुलिडा अर्थवर्म, दूसरा ऑर्डर है ये मोनिलीगैस्ट्रिडा, तीसरा ऑर्डर है हैप्लोटैक्सिडा, फिर अगला क्लास है फिर हिरोडिनिया लिचेज जो होते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर आगे वर्णन। फ्रेश वाटर का ये जीव है, थोड़ा थोड़ा मराइन में भी पाया जाता है। इसका ऑर्डर चले हैं, पहला ब्रैंकियोडेलिडा, फिर दूसरा ऑर्डर है एकेंथो डेलिडा, फिर ऑर्डर है रेंचो डेलिडा, फिर अगला ऑर्डर है एरिंकोब डेलिडा। आगे फिर देख रहे हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, इसके कुछ अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप वहाँ तक जो यहाँ तक जो आंसर लिखे आपका, अगर यहाँ तक 2500 शब्द पूरा हो जाता है तो आपका आंसर कंप्लीट समझिए, अगर आप यहाँ तक नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन आपको है कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स यहाँ भी आपको इसको डालें, और ये इसको तो शुरू में ही डालें क्योंकि पहले ही हम उसका वर्णन कर चुके हैं, फिर से नया फीचर डाल रहे हैं तो ये अलग टाइप में है, और ऐसे ऊपर प्रयोग नहीं किए हैं उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें है हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ रहता है वो, एनिलिड्स अकर इन फ्रेश वाटर सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहता है, इस तरह से इसको वर्णन किया गया है। फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका सेगमेंट जो बना रहता है बॉडी पे उसके बारे में, फिर शैटे एंड पैरापोडिया इसमें होता है जिसके द्वारा वो चलता है, फिर इसका बॉडी वाल है, फिर सिलोम है जो बॉडी कैविटी बॉडी के अंदर में होता है जिससे हम लोगों का GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर ये हाइड्रोस्केल्टन हड्डी के रूप में, ये पानी ही हड्डी के रूप में काम करता है इसमें,
जीआईटी भी होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसमें होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इसमें होता है, उसके हिसाब से कैसा है वो स्किन से ही एक्सचेंज करता है गैस का। फिर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो इसमें है, इसमें ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन इसमें भी होता है, और इरिथ्रोक्रूरिन इसको बोलते हैं, वो हम लोगों के ब्लड से अलग होता है लेकिन वो भी रेड कलर का होता है। एस्क्रेटरी सिस्टम, नेफ्रिडिया इसमें होता है, नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन इसमें होता है, रिसेप्टर्स ये रिसीव करता है सेंसेशन को, सेक्सेस बोथ यूनिसेक्सुअल होता है और बायसेक्सुअल भी होता है, दोनों होता है ये, यानी एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों भी पाए जाते हैं, अलग अलग भी पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों में दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है, यूनिक फीचर इसका जो है ये फोर है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, हीमोग्लोबिन इसमें इन द प्लाज्मा में पाया जाता है, इसके लिए अलग से ब्लड वेसल्स नहीं होता, जैसे हम लोगों में वेन आर्टरी होता है इस तरह नहीं होता है। नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है, सीटे होता है। एडवांस्ड कवर राउंड वर्म, इसका कवरिंग जो होता है इस तरह से, ये फोर कवरिंग होता है। क्लासिफिकेशन, चूँकि क्लासिफिकेशन ऊपर हमने वर्णन किया है, अगर आप उस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप करेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर दिया गया था इसके बाद इस तरह का कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, या फिर दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है आपका आंसर, तो आप इसमें से चुन लें कोई। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन के बताया गया, फाइलम का क्लास से शुरू हुआ, पॉलीचिटा, पॉली का मतलब मैनी होता है, चिटा का मतलब हेयर होता है, इसके शरीर पर हेयर बहुत होते हैं पॉलीचिटा में, इसका खासियत यही है। इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप फिगर भी प्रयोग करें बनाने के लिए। ये फिगर इसका है, ओलिगोचिटा का, इसके बॉडी पर फिगर है। ये चूँकि क्लास टू का फिगर है, देखिए थोड़ा जूम कर दिए, फिगर का प्रयोग अवश्य ही आप करें। तीनों एक साथ यहाँ दिया हुआ है, तीनों आप अलग, तीन फिगर इसमें है, अलग अलग कर दें, अलग अलग फिगर बनाएं आप। यही नाम आप गूगल में सर्च करेंगे तो, और इमेज भी लिख देंगे तो आपको डायरेक्ट इमेज भी मिल जाएगा। दूसरा क्लास का ये ओलिगोचिटा मतलब होता है फ्यू, इसमें कम बाल होते हैं, उसका यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स। तीसरा क्लास है हीरोडिना, उसका ही फिगर उसमें था, आप देखें अभी तीनों का फिगर दिया हुआ है वहाँ पे। चौथा है आर्कनेलिडा में देखिए इस तरह का है उसका वर्णन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फैंट, बाहर से अंतर सेगमेंट क्या हुआ बहुत ही कम दिखता है लेकिन अंदर में होता है, सेप्टा के द्वारा वो सेगमेंट बना रहता है। पांचवा क्लास हो गया यूनिरिडा, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं दोनों में। नेंथिस क्लैम वार्म बोलते हैं और सैंड वार्म भी बोलते हैं इसको। हिरोन डेनेरिया गर्मडोसा, आप इस तरह भी करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, आप ऊपर में लिख चुके हैं एक अलग ढंग से, आप ये देखिए इस तरह का भी आप वर्णन कर सकते हैं, थोड़ा तो बड़ा है तो इसको आप दो पार्ट में करते हैं इस पेज को। आपका आंसर वो दूसरा टाइप का ख़त्म हुआ, तीसरा टाइप में चल रहे हैं।
इस पेज को भी दो भाग में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, आप क्लासिफाई इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में था वहाँ पे अभी बीच में, फिर थोड़ा सा और बढ़े, 8700 लगभग इसमें स्पीसीज हैं, जिसका 4 मेन क्लास होता है प्राइमरली ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पारापोडिया। पारापोडिया होता है या नहीं होता है इसके आधार पर 4 क्लास बनाए गए हैं, मेटामेयर्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर। पोलिचिटा आप देख लीजिए इसका, इस पार्ट को भी दो भाग में देखते हैं इस पेज को। सब क्लास चले, क्लास को भी फिर सब क्लास में मटा गया है। सब क्लास 2 सिडेंटेरिया, फिर तीसरा क्लास क्लास में चलेंगे फिर ओलिगोचिटा। इसके पेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देख रहे हैं फिर। क्लास 2 के ऑर्डर हैं आर्कियोलोजिटा, आई स्पॉट्स आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट, इसमें आई स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। ऑर्डर 2 न्यू ओलिगोचिटा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्लास 3 चलते हैं हिरोडिनिया, अब थोड़ा सा बढ़िया से इसको देख ले, दो पार्ट में कर देते हैं। फिर पारपोडिया से ऑर्डर एकेंथोप डेलिया डेलिडा, चौथे क्लास के पहला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर रिंकोप डेलिडा, तीसरे ऑर्डर नेथोप डेलिडा, चौथा है फेरेंजोप डेलिडा, चौथा क्लास है आर्किन एलिडा। आर्क का मतलब फर्स्ट होता है पुराना। ये इसका डेफिनेशन है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये चारों क्लास इसका कंप्लीट हुआ। तो आप इसमें 2-3 तरह के मॉडल दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन का, आपको जो मॉडल समझ में आए, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप लिखें और अपना अपना जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें। आप हमारे वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।